ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है कीबोर्ड एक्सरसाइज गेम। इसमें हम सीखेंगे गेम को कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, गेम को कैसे खेलें और गेम को कैसे डाउनलोड करें। आपने पाया होगा कि अगर आप कंप्यूटर पर ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो आपको कीबोर्ड पर काम करने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर कंप्यूटर पर काम करना हमारे लिए नया है और हम कीबोर्ड से उतने परिचित नहीं हैं, हमारी उंगलियों को अभ्यास नहीं होता है कीज़ का, और कीबोर्ड पर कोई भी की ढूंढने में हमको काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसे में जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसमें 10 मिनट लग जाते हैं। ख़ास तौर पर जब आपको टाइपिंग करना होती है तो काफ़ी वक्त लग जाता है। इसके लिए ज्ञान यज्ञ की वेबसाइट पर हमने कीबोर्ड की प्रैक्टिस के लिए कीबोर्ड एक्सरसाइज गेम लोड किया है। आइए अब हम सीखते हैं कि उस गेम को कहाँ से कैसे स्टार्ट करें और कैसे खेलें। हम सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करके एड्रेस बार में ज्ञान यज्ञ की वेबसाइट डाल देंगे। अब ये देखिए ज्ञान यज्ञ की वेबसाइट खुल गई है। इसमें सबसे ऊपर कंप्यूटर कोर्सेज दिया है, आप यहाँ पर जा करके क्लिक कर दें। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ तीसरे नंबर पर कंप्यूटर कीबोर्ड ट्यूटोरियल इन हिंदी के नीचे है कीबोर्ड एक्सरसाइज गेम, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कीबोर्ड एक्सरसाइज गेम आ जाता है। अब जब आपको गेम खेलना शुरू करना हो तब आप इस कीबोर्ड पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये कीबोर्ड प्रैक्टिस के लिए जो गेम है वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लेवल हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। शुरुआत में आप इजी से शुरू करें, उसके लिए आप इजी पर जाएं और क्लिक कर दें। अब हमने इजी सेलेक्ट कर लिया है। इसमें आपको 10 चांसेस मिलेंगे। जैसे ही आप इस गेम को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ भी रेड लेटर्स में लिखा हुआ आएगा और वो ही आपको टाइप करना है। बिल्कुल जैसा दिया है एग्जैक्टली सेम आपको टाइप करना है। अब हम आपको ये करके दिखाते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे गेम शुरू हो जाएगा, और जैसा कि आपको बताया है रेड लेटर्स में जो भी लिखा हुआ आएगा वो आपको टाइप करना है। इधर साइड में राइट और रॉन्ग दो ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपने गलत टाइप किया तो रॉन्ग में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और अगर आपका टाइम आउट हो गया यानी 5 सेकेंड आपको मिलेंगे, और 5 सेकेंड के अंदर अगर आप उसको टाइप नहीं कर पाए तो भी आपका रॉन्ग में पॉइंट बढ़ जाएगा, और सही अगर आपने टाइप कर दिया है तो आपके राइट में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो अब हम तैयार हैं, हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो लिखा आया है वो हमको करते जाना है और एंटर दबा देना है। समय में हम नहीं कर पाए तो एक रॉन्ग हो गया। ये हर बार लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए राइट पर बढ़ते जा रहे हैं, ये गलत हो गया। ओ ये ब्रैकेट हमको लगाना है, ये हमने लगा दिया। एंटर प्रेस किया, एक और हमारा अंक बढ़ गया। हमको ऐसे 10 चांसेस मिलेंगे, और यहाँ आप देखिए कि हर उसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। 10 हमको चांसेस मिले और उसमें हमारा जैसा भी परफॉर्मेंस रहा वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आया योर एफिशिएंसी इज 60%, यू नीड टू वर्क हार्ड। 60% हमारी एफिशिएंसी आई है, हमें कोशिश करना है कि 100% तक पहुँचे। अब आपके पास ऑप्शन है रीस्टार्ट, आप इसको फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए वापस आपके पास सारे मीडियम आ गए। अगर आपको वापस से ईजी प्रैक्टिस करना है तो ईजी पर जाएं, और जब आपका ईजी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, 100% अगर आपकी एफिशिएंसी इसमें आ जाती है तो फिर आप मीडियम शुरू कर सकते हैं। मीडियम थोड़ा सा टफ लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा टफ रहेगा, और इसमें आपको 20 चांसेस मिलेंगे, 20 अवसर आपको मिलेंगे। समय वही रहेगा 5 सेकंड का। इसी तरह से हार्ड में भी आपको 20 अवसर मिलेंगे, ये और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, और इसमें भी समय आपके पास केवल 5 सेकंड का रहेगा। इस तरह से इस गेम को जब आप पूरा खेलेंगे तो आपके कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप गेम खेल चुके हों आपको इससे बाहर आना है तो यहाँ से आप इसे बंद कर दीजिए। और अब अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन है इसे डाउनलोड करने का। इससे ये फ़ायदा है कि जैसे अभी तो हम नेट पर हैं, पर अगर कभी नेट नहीं चल रहा हो, नेट कनेक्टेड नहीं हो,
उस समय भी अगर आप खेलना चाहते हो ये गेम तो आप खेल सकते हैं। उसके लिए आप इसे डाउनलोड करके रख लें। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक तीर का निशान नीचे जाते हुए दिखेगा, ये देखिए गया, और ये हमारा डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो गया है और ये डाउनलोड हो गया। अब ये जो गेम है आपके डाउनलोड के लिए जो फोल्डर होता है उसमें जाकर के ये सेव हो गया होगा। अब हम उसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से बाहर आ जाएं, हम इस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। और अब देखिए, अब हम जाते हैं माय डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर आपको मिलता है ये फोल्डर डाउनलोड्स का। इसमें जब हम जाएंगे तो ये देखिए, ये जो कीबोर्ड वाला जो हमारा गेम था ये फाइल यहाँ पर आकर के सेव हो गई है। यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करें। अभी देखिए, आप यहाँ जाइए ओपन विद पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये अलग अलग ब्राउजर्स हैं आपके पास, जो ब्राउजर्स हैं उनमें से किसी पर भी ये गेम खेला जा सकता है और ये उस पर ओपन होगा। तो ये देखिए, ये हम फायरफॉक्स पर गए और ये देखिए ये गेम यहाँ पर आ गया है। अभी हमने इस गेम की डाउनलोडेड फाइल को खोलने का जो तरीका देखा, हो सकता है कि कभी उस तरह से ना होकर के जब आप इस पर डबल क्लिक करें थोड़ी अलग तरह की विंडो आपके सामने आ जाए। जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एक जो डायलॉग बॉक्स खुलता है ये कह रहा है कि विंडोज़ कैन नॉट ओपन दिस फाइल। इस फाइल को विंडोज़ नहीं खोल पा रहा है। और अब वो आपसे पूछता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। दो ऑप्शंस हैं कि आप वेब सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या फिर लिस्ट में से आप प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम ये जो नीचे वाला ऑप्शन है सिलेक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम लिस्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस पर क्लिक करके और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, आपके सामने लिस्ट आ गई। जो हम ओपन विद करके हमने पहले खोला था तो हमारे सामने ये लिस्ट आ जाती है और उसमें से हम ब्राउज़र चुन लेते हैं, वो अब ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ब्राउज़र है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम नीचे जो ऑप्शन दिया है, ऑलवेज यूज़ द सिलेक्टेड प्रोग्राम टू ओपन दिस काइंड ऑफ फाइल, कि अब जब भी इस तरह की कोई फाइल हो तो इसको यूज़ करें और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, हमारा कीबोर्ड एक्सरसाइज गेम जो है वो आ गया हमारे सामने। आज का हमारा अध्याय था कीबोर्ड एक्सरसाइज गेम, जिसमें हमने सीखा गेम को कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, गेम को कैसे खेलें और गेम को कैसे डाउनलोड करें।